हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टोटल तीन टॉपिक के बारे में। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि कौन कौन से वो प्रॉपर एजेंट्स हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन होता है ना। दूसरा टॉपिक हम लोग इसमें डील करने वाले हैं जिससे हम बोलते हैं क्या, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी कि पॉलन और पॉलन ग्रेन्स और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है और उसके बाद जर्मिनेशन कैसे होता है, ये हम लोग देखेंगे। थर्ड जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो है आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो टोटल इसके अंदर हम लोग इस लेक्चर के अंदर तीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा लेकिन पूरी तरह से मैं आपको एश्योर करता हूं कि इसमें से आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर ले जाओगे। तो चैप्टर बड़ा है काफी, इसलिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन पूरा बेसिक से लेकर के हम लोग एडवांस तक की बातें कर रहे हैं तो थोड़ा वीडियो लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें। सबसे पहले एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन बेटा दो टाइप से होता है। सबसे पहला एबायोटिक, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है, नॉन लिविंग। कैसा है, नॉन लिविंग, क्योंकि एबायोटिक का मतलब ही होता है नॉन लिविंग। और दूसरा है हमारा बायोटिक यानी कि लिविंग। तो दो चीजें हमें समझनी है। पहले जो एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो एक अलग ग्रुप में आएंगे, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनके लिए बायोटिक कैटेगरी बनाई गई है। एबायोटिक के अंदर हम लोगों को समझना है कि टोटल दो चीजें आती हैं। पहला जो बात हम लोग करेंगे वो है विंड या वाटर, विंड या एयर, और दूसरा है हमारा वाटर। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है टॉपिक। बेटा अगर कोई भी पॉलिनेशन, किसी भी प्लांट्स में अगर पॉलिनेशन विंड या एयर के थ्रू होता है तो कंडीशन विल बी नोन एज एनेमोफिली। एनेमोफिली यानी कि उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं एनेमोफिली। एनेमोफिली, एनिमोन का मतलब होता है विंड और फिली का मतलब होता है लविंग, यानी कि जब भी विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो टर्म यूज किया जाएगा एनिमोफिली। अब आपको यह समझना है कि जो एनिमोफिली कंडीशन है फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले यहां पे देखा गया जिम्नोस्पर्म के प्लांट के अंदर। अगर क्योंकि पॉलिनेशन तो स्टार्ट होता है जिम्नोस्पर्म से ही, टेरिडोफाइटा तक तो पॉलिनेशन होना नहीं है, है ना, वहां पे तो वाटर के थ्रू फर्टिलाइजेशन होना है। तो पॉलिनेशन स्टार्ट होता है हमारा जिम्नोस्पर्म से, और सबसे पहले विंड के थ्रू पॉलिनेशन जिम्नोस्पर्म में देखा गया, इसीलिए इट इज नोन एज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं उसको, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप, है ना, सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ पॉलिनेशन इसको बोला जाता है। अब यहां पे जब हम विंड के थ्रू बात करते हैं कोई भी पॉलिनेशन, तो आपको याद रखना है कि यहां पे जो फ्लावर्स होंगे, यहां के जो फ्लावर्स होंगे उनके अंदर कुछ एडॉप्टेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एडॉप्टेशन। कैसा एडॉप्टेशन, यहां पे जो फ्लावर होंगे उनका जो साइज होगा वो छोटा होगा, है ना, स्मॉलर साइज होंगे फ्लावर्स के। नो नेक्टर, यहां पे कोई नेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, है ना, कोई नेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरा चीज, यहां पे कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होगा, कोई खुशबू की जरूरत नहीं है, है ना, कोई फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं है, तो कोई फ्रेग्रेंस नहीं होगा। जो पेटल्स होंगे यानी कि फ्लावर्स के जो पेटल्स होंगे वो बिल्कुल कलरलेस होंगे, या तो ग्रीन कलर के हो सकते हैं, कलरफुल होने के लिए जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि विंड को अट्रैक्ट थोड़ी ना करना है, उसको गाना थोड़ी ना सुनाना है कि देखो मैं कितनी खूबसूरत हूं, है ना, ऐसा कुछ करना नहीं है। तो यहां पे जो पेटल्स होंगे वो भी कैसे हैं, कलरलेस पेटल्स, कलरलेस पेटल्स, है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो स्टिग्मा होगा वो कैसा होगा, फेदरी होगा। ये सब नोट करते चलिएगा क्योंकि अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फेदरी स्टिग्मा, है ना। इसके अलावा जब आप यहां पे पॉलन ग्रेन्स को देखेंगे तो पॉलन ग्रेन्स आपको बिल्कुल स्मूथ वॉल्ड पॉलन ग्रेन मिलेंगे। कैसे, स्मूथ वॉल्ड, आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि आपने तो एक्जाइन वाला कंडीशन पढ़ा है, जो एक्जाइन होता है वो स्पाइनी होता है। मैं बोल रहा हूं कि स्मूथ वॉल्ड पॉलन ग्रेन होता है। तो जितने एनिमोफिलस फ्लावर होंगे उनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बेसिकली वो कैसे होते हैं, स्मूथ वॉल्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो कम से कम इतना एडॉप्टेशन आपको याद रखना है फ्लावर्स के अंदर, ये चीजें होती है, क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से समझो तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एनिमोफिली फ्लावर के अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीज होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने यहां पे एक समझाने के लिए, ये नीचे वाला थैलेमस वाला पोर्शन है, ये क्या है, ओवरी है, है ना, और ओवरी से क्या है कि ये
बीच में बिल्कुल ये स्टिग्मा ऐसे निकला हुआ है, पॉइंटेड स्टिग्मा है। जब आप देखेंगे तो काफी लंबा स्टिग्मा वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा और इसके चारों तरफ आपको कुछ ऐसे फीदर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, पंख के जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है जितने भी एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं ना। तो ये उसका क्या है, फीमेल पार्ट है। जब हम लोग मेल पार्ट की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मेल पार्ट की जब मैंने बात किया, तो मेल पार्ट जो आप देखोगे वो मेल पार्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस तरह के एंथर को नाम दिया जाता है वर्सेटाइल एंथर, इसको नाम देते हैं वर्सेटाइल एंथर, है ना। वर्सेटाइल एंथर क्या होता है, बहुत ही हल्के पॉलन ग्रेन्स होंगे और जैसे ही थोड़ा सा भी विंड चलेगा, हवा चलेगा, तो ये चारों तरफ मूव करेंगे, जिससे कि जितने मेच्योर इस पे पॉलन ग्रेन होंगे वो चारों तरफ क्या हो जाएंगे, इजिली डिस्पर्स हो जाएंगे पक्का। तो ये चीज आपको क्लियर याद रखनी है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो पूरा का पूरा ये स्टिग्मा है, इसको हम लोग बोलते हैं फेदरी स्टिग्मा। तो फेदरी स्टिग्मा इसको बोलते हो। जब भी पॉलिनेशन होना होगा और हवा चलेगा, तो यहां से पॉलन ग्रेन अगर उड़ते हुए कहीं से आए, ये पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें तो फंसी जाना है उनको, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, पॉलन ग्रेन उसमें फंस जाएंगे और फिर पॉलिनेशन हो जाएगा। एक चीज और याद रखना है आपको कि पॉलन ग्रेन जो होंगे वो नॉन स्टिकी होने चाहिए। स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, नॉन स्टिकी। अगर स्टिकी रहा तो मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, है ना, हवा चला, वो पॉलन ग्रेन आपसे आगे चिपक जाएंगे, तो अब पॉलिनेशन तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो पॉलन ग्रेन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए। क्लियर है, इन द केस ऑफ एनिमोफिली फ्लावर। तो ये सारी चीजें हम लोगों को मॉडिफिकेशन याद रखनी है कि स्मूथ वॉल्ड पॉलन ग्रेन होता है, फिदरी स्टिग्मा होता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल्स याद रखिएगा बेसिकली जो एनिमोफिलस का है। सबसे पहले तो हमने बोला कि जिम्नोस्पर्म में देखा गया, उसके अलावा एंजियोस्पर्म में आते हो तो पोएसी फैमिली, पोएसी फैमिली जिसको हम लोग ग्रास की फैमिली बोलते हैं, उसके अंदर मेनली आपको ये देखने को मिलेगा। सीरियल्स वाले प्लांट जितने भी होते हैं, लाइक एज वीट है ना, या फिर राइस, या फिर मेज, या फिर शुगर केन, ये सब कुछ, इन ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल है किसके, एनिमोफिली के। तो कंडीशन आपको याद हो गया होगा कि एनिमोफिली क्या है, विंड पॉलिनेशन कैसे होता है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ पॉलिनेशन इसको कंसिडर करते हैं पक्का, है ना। अब बात आती है किसकी, दूसरा कंडीशन यानी कि वाटर की। तो इसको मिटाते हैं और हेडिंग डालिएगा इसके बाद वाटर पॉलिनेशन। वाटर में कैसे पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू, वो हम लोग बात करने चल रहे हैं। तो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो कंडीशन विल बी नोन एज हाइड्रोफिली। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिली मीन्स लविंग, यानी कि अगर वाटर से पॉलिनेशन होता है तो कंडीशन विल बी नोन एज हाइड्रोफिली। बेटा हाइड्रोफिली भी दो टाइप के होते हैं, हाइड्रोफिली भी दो टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है उसको आप बोलते हो हाइपो हाइड्रोफिली। तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसको हम लोग नाम देते हैं हाइपो हाइड्रोफिली, और दूसरा जो इसमें टाइप आता है वो आता है इपी हाइड्रोफिली। तो दो नाम आपको याद रखना है, हाइपो हाइड्रोफिली एंड इपी हाइड्रोफिली। हाइपो हाइड्रोफिली कंडीशन जो होता है ये सबमर्ज प्लांट में आपको देखने को मिलेंगे। किस प्लांट्स के अंदर, सबमर्ज प्लांट्स। सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है, जो प्लांट पानी में पूरी तरह से डूबे रहते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं सबमर्ज्ड। ये जो एपीफिली कंडीशन होता है वो सरफेस ऑफ वाटर पे होगा या सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर होगा, यानी कि ये जो पॉलिनेशन है वो सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे होगा, बाहर है ना। तो ये दो कंडीशन आपको समझना है, इनसाइड द वाटर एंड सरफेस ऑफ द वाटर। ये क्या होगा, पानी के अंदर होगा, ये क्या होगा, पानी के बाहर होगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, हाइपोहाइड्रोफिलिक कंडीशन के लिए यानी कि वाटर पॉलिनेशन के लिए जितने भी फ्लावर होंगे उनमें भी मॉडिफिकेशन आपको समझना है कि उनका साइज भी छोटा होगा, है ना। पॉलन ग्रेन्स जो होंगे, पॉलन ग्रेन्स लिख लीजिएगा, पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो कैसे होंगे, इलोंगेटेड होंगे और लैक ऑफ एक्साइन, एक्साइन लेयर क्या होगा, पूरी तरह से एब्सेंट होगा। तो एक्साइन लेयर एब्सेंट वाला पॉइंट है ना,
दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन इलोंगेटेड, इलोंगेटेड पॉलन ग्रेन, इलोंगेटेड पॉलन ग्रेन है ना, हाइड्रोफिलिक कंडीशन है ये। तीसरा स्मॉल फ्लावर, नो नेक्टर, नो फ्रेग्रेंस, कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ कंडीशन वही है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हाइपोहाइड्रोफिली में आपको कंडीशन समझा रहा हूं, इसका अगर मान लीजिए ये वाटर सरफेस है और ये नीचे का है सरफेस, अगर हम लोग इसमें प्लांट बना करके समझते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई एक प्लांट है ना, ये इसके अंदर मान लीजिए कि ये एक प्लांट है ना, ये प्लांट का लीफ वगैरह होगा, ये सबमर्ज प्लांट है और ये इसका क्या है, फ्लावर है, क्लियर, वो फ्लावर है और ये लीव्स हैं। अब होता क्या है सबमर्ज प्लांट के अंदर, जब ये मेल फ्लावर पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, जब मेल फ्लावर पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो जाएगा, तो वो टूट करके क्या हो जाता है, ऊपर तैरने लगता है, वो टूट करके पानी के नीचे ही, मतलब यहां पे सरफेस पे ऐसे तैरने लगेगा। तो ये आपको निडल लाइक पॉलन ग्रेन दिखाई दे रहा है, कैसे, निडल लाइक पॉलन ग्रेन, तो इलोंगेटेड निडल लाइक पॉलन ग्रेन है। तो ये क्या होता है, जब मैच्योर हो जाते हैं तो पानी के अंदर ही सरफेस पे, सरफेस के अंदर ही क्या होते हैं, तैरने लगते हैं। और दूसरा अगर मान लीजिए कि फीमेल पार्ट, अगर मान लीजिए ये फीमेल पार्ट है, तो फीमेल पार्ट भी आप ऐसे दिखा दीजिएगा, फीमेल पार्ट थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, तो ये भी जब मैच्योर हो जाता है तो जैसे ही इस पॉलन ग्रेन के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये क्या करते हैं, ऐसे क्वाइलिंग शो करते हैं, क्या शो करते हैं, क्वाइलिंग शो करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं, ये एक स्टिग्मा है ना, पॉलन पिस्टिल है, जैसे ही कॉन्टेक्ट में आया कॉर्न, जैसे ही कॉन्टेक्ट में आता है पॉलन ग्रेन्स, तो वो ऐसे इसके चारों तरफ क्वाइलिंग शो करने लगते हैं, ऐसे क्वाइलिंग शो करने लगते हैं। ये कंडीशन आपको याद रखनी है इन द केस ऑफ हाइपोहाइड्रोफिली। तो निडल लाइक जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा के चारों तरफ क्या होते हैं, क्वाइलिंग शो करते हैं, क्लियर है। अब ये कंडीशन आपको किस प्लांट्स में दिखाई देगा, एग्जांपल याद रखना है जोस्टेरा, जोस्टेरा के अंदर आपको ये कंडीशन दिखाई देगा। इसके अलावा सिरेटोफिलम, सिरेटोफिलम प्लांट का नाम है, इसमें भी आपको हाइपोहाइड्रोफिलिक कंडीशन दिखाई देगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, जो पॉलन ग्रेन्स है वो पानी के अंदर है, सबमर्ज्ड है और वो उसी के नीचे तैर रहे हैं, है ना, यानी कि याद रखिएगा ये जो कंडीशन है उसको हम लोग नाम देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पॉलन ग्रेन इज ऑलवेज इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, हमेशा जो पॉलन ग्रेन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से इक्वल होगी, तभी वो क्या करेंगे, नीचे तैरेंगे, पक्का। तो इसमें कंडीशन लिख लीजिएगा नोट करके कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पॉलन ग्रेन इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, है ना, तो वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से बिल्कुल मैच करता होगा, किसका होता है, पॉलन ग्रेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी मैच करती है, तभी ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, पक्का है। तो चलो अच्छा, ये हो गया हाइपोहाइड्रोफिली, कंडीशन समझ में आया, कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हाइपोहाइड्रोफिली खत्म हो गया, सबमर्ज्ड प्लांट के अंदर होता है। ईपी हाइड्रोफिली कंडीशन में क्या होता है, एक्चुअल में दो चीजें आपको समझनी है, सबसे पहला कि ये सरफेस ऑफ वाटर पे होना है, यानी कि जो भी पॉलिनेशन होना है वो कहां होना है, सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे होगा पॉलिनेशन, वाटर के अंदर नहीं होगा। यहां पे क्या कंडीशन होता है, जैसे मान लीजिए इसको भी मैं डायग्रामेटिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सरफेस ऑफ वाटर है, वाटर सरफेस है ना, और ये नीचे का वाटर सरफेस है। यहां पे एग्जांपल मेंशन किया हुआ है, यहां पे एग्जांपल आपको याद रखना है, वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया प्लांट यहां पे मेंशन किया हुआ है। वेलिसनेरिया जो प्लांट होते हैं बेटा वो हमेशा कौन सा कंडीशन शो करते हैं, डायोसियस। तो डायोसियस कंडीशन क्या होता है, वेलिसनेरिया के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है, डायोसियस मींस क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाई देगा, यानी कि मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट क्या होंगे, अलग होंगे, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायोसियस।
तो यहाँ पे वेलिसनेरिया की कंडीशन में आपको ये दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मान लेते हैं कि इसको मैं लिखता हूं फीमेल फ्लावर, इसको मैं लिख देता हूं फीमेल फ्लावर या फीमेल प्लांट, है ना। तो ये फीमेल प्लांट क्या है, वेलिसनेरिया। और दूसरा इधर मैं एक ऐसे ही बना देता हूं, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं कि मेल प्लांट। तो ये क्या है, मेल प्लांट है, किसका, वेलिसनेरिया का। अब एक्चुअल में क्या होता है, ये जो मेल प्लांट होते हैं इनके जो फ्लावर्स होते हैं, है ना, इनके जो फ्लावर होते हैं जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे तो वो टूट करके क्या हो जाते हैं, है ना, टूट करके सरफेस के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जितना मैं बना रहा हूं ये सब क्या है, मेल फ्लावर है वेलिसनेरिया के, क्लियर है। फीमेल फ्लावर अगर आप देखोगे वेलिसनेरिया में तो वो ऐसे क्वाइलिंग शो करता है और ये इसका स्टिग्मा है ना, तो ये फीमेल फ्लावर है। तो जब तक पूरी तरह से मैच्योर नहीं रहता है तो उसमें क्वाइलिंग शो होती है, लेकिन जैसे ही ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, मैं इसको खोल के दिखा देता हूं, वो बड़ा हो जाता है और वो बिल्कुल सरफेस पे आकर के ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक। मेल फ्लावर तो इधर घूम ही रहे हैं, है ना, जैसे ही पानी इधर की तरफ आया ये दोनों कॉन्टेक्ट में आए और पॉलिनेशन हो गया, है ना। लेकिन आपको यहां पे ये चीज भी समझनी है कि जरूरी नहीं है कि यहां पे पॉलिनेशन हाइड्रोफिलिक ही बोला जाए, यहां पे पॉलिनेशन कभी कभी क्या होता है, इंसेक्ट्स भी करा देते हैं, जो पानी के अंदर इंसेक्ट्स होते हैं, क्योंकि बाहर है वो, पानी सरफेस के थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, और अगर पानी सरफेस के बाहर निकला हुआ है तो इंसेक्ट क्या करेगा, इस पोलन ग्रेन को इस पे लाके बैठा सकता है। तो इस तरह के कंडीशन में आपको ये कंडीशन, मतलब वो हाइड्रोफिलिक तो लग रहा है लेकिन एक्चुअल में कंडीशन किस तरह से काम कर रहा है, एंटेमोफिलिक, यानी कि इंसेक्ट्स के जैसे पॉलिनेशन दिखाई दे रहा है उसमें। तो ये आपको याद रखना है, वेलिसनेरिया के केस में ईपी हाइड्रोफिलिक कंडीशन दिखाई देता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछता है, हम लोगों ने अभी हाइपो हाइड्रोफिली में बात किया, तो मैंने बोला कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं किसके, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, पक्का। लेकिन इस केस में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पोलन ग्रेन्स हैं लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो लिख लीजिएगा यहां पे भी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन इज लेस देन किससे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। थोड़ा सा मैं जल्दी लिख रहा हूं तो समझ में नहीं आएगा, आप मैं बोल रहा हूं वो जरूर लिख लीजिएगा, लिखिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन इज लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, पक्का। एक चीज और सुनिए, इसके कंडीशन में, ईपी हाइड्रोफिलिक के कंडीशन में कोई एक्जाइम नहीं होता है, तो कोई एक्जाइम लेयर यहां पे दिखाई नहीं देगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन से पॉलिनेशन में आपको एक्जाइम एब्सेंट होता है, जवाब होगा आपका ईपी हाइड्रोफिलिक। फ्लावर्स के केस में मॉडिफिकेशन एडॉप्टेशन सब कुछ सेम है, तो वहां पर भूलना नहीं है। कुछ ऐसे प्लांट का नाम आपसे एक्सेप्शन में पूछ सकता है कि जिन जो हाइड्रोफिली है लेकिन उनके अंदर एंटेमोफिली यानी कि इंसेक्ट्स के जैसा पॉलिनेशन दिख रहा है, पोटामोगेटॉन, है ना, पोटामोगेटॉन जो प्लांट है उसके अंदर आपको ये कंडीशन देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए ये कंडीशन हम लोगों ने बात किया है इसमें ईपी हाइड्रोफिली के अंदर, यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो अब जो इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका बायोटिक या लिविंग वाला कंडीशन। तो अब इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हेडिंग आ रही है बायोटिक एजेंसीज। बायोटिक एजेंसीज में बेटा सबसे पहला नाम लिखा हुआ है एंटेमोफिली। एंटेमोफिली यानी कि इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, अगर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो कंडीशन विल बी नोन एज एंटेमोफिली। एंटेमोन का मतलब होता है, एंटेमोन का मतलब होता है इंसेक्ट, और पॉलिनेशन हो रहा है तो एंटेमोफिली। इंसेक्ट्स में कौन कौन से इंसेक्ट्स, लाइक एस बीज, है ना, हनी बी, वैस्प, है ना, बटरफ्लाई, है ना, और क्या हो सकता है, मॉथ,
ईटीसी, ये सब कुछ है। लेकिन पॉइंट नोट करिएगा, मोर देन 80% जो पॉलिनेशन होता है वो अकेले 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 कौन करा देता है? हनी बी। यानी कि हनी बी ने अकेले मोर देन 80% जो पॉलिनेशन होगा वो अकेले हनी बी करा देती है। क्लियर है? अच्छा, ये मौत में बटरफ्लाई में क्या अंतर है? तो मौत मौत है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई है, ऐसा है नहीं। जब बटरफ्लाई को आप देखेंगे तो बटरफ्लाई जब बैठती है किसी चीज पे, मान लीजिए यहां बैठी, तो ऐसे अपने पंख को सिकुड़ा के बैठती है, मतलब तो दोनों पंख को एक पास करके बैठती है। जो मौत होता है वो बैठता है तो दोनों पंख ऐसे करके बैठता है ना, ऐसे करके बैठता है। तो आप मौत को नहीं पकड़ सकते हो क्योंकि दोनों पंख वो ऐसे पसार के बैठा हुआ है और वो ऐसे करके बैठती है, तो आप टक से पकड़ लेते हो। क्लियर है? तो वही अंतर थोड़ा सा होता है। और वैसे भी जो मौत होते हैं वो रात में आपको दिखाई देंगे, है ना, बड़े बड़े ट्यूबलाइट के पास बड़े बड़े उड़ते हुए आपको आते हुए बैठते हुए दिखाई देंगे, है ना। कभी कभी उनमें आईना लगा होता है, आप चेहरा देख सकते हो उसमें। बटरफ्लाई बहुत छोटी सी होती है, प्यारी सी होती है ना। तो ये चीजें होती है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि एंटेमोफिली, मतलब जो पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, तो एंटेमोफिली कहलाता है मोर देन 80% जो पॉलिनेशन होता है वो अकेले हनी भी करा देती है। क्लियर? अब इसमें एक टर्म आता है, एक रेफरेंस आया हुआ है, लिवर पाइप मैकेनिज्म। टर्म सुनिएगा, लिवर पाइप मैकेनिज्म। लिवर पाइप मैकेनिज्म, ये जो कंडीशन है लिवर पाइप मैकेनिज्म, कहां पे ऑब्जर्व किया गया है? तो इन सैल्विया। सैल्विया जो प्लांट है उसके अंदर एक कंडीशन देखा गया लीवर पाइप मैकेनिज्म। क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। सैल्विया प्लांट का जो करोला होता है, यानी कि जो एंथर एंथर का जो पोर्शन होता है, वो आपको बाइलेबिएट कंडीशन दिखाई देगा। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। ये देखना थोड़ा, है ना, ये पोर्शन आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको बस समझाने के लिए डायग्राम दे रहा हूं, है ना। ये ऐसा कंडीशन, आपको ये करोला है जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इस करोला से आपको क्या दिखाई देगा, ये मेल वाला पार्ट है जो यहां पे, और ये कनेक्टिव है, कनेक्टिव ऐसे आपको डाइवेरिकेटेड दिखाई दे रहा है। कनेक्टिव क्या दिखाई दे रहा है? डाइवेरिकेटेड दिखाई दे रहा है। और यहां पे इसका फर्टाइल पार्ट है, तो ये चीज आपको दिखाई दे, ऐसे ही आपको नीचे भी छोटा सा दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ये वाला जो ऊपर वाला एंटीरियर पोर्शन वो कैसा है? फर्टाइल है। वो कैसा है? फर्टाइल है। जो नीचे वाला है वो क्या है? स्टेराइल है। तो एक्चुअल में डाइवेरिएटेड है, लेकिन केवल एक ही पार्ट फर्टाइल है, दूसरा स्टेराइल है। अब होता क्या है, जब कोई इंसेक्ट आया, हनी भी आई, है ना, हनी भी ऐसे आई, है ना, मोजैक आई लेकर के आई बड़ा सा, ये मान लीजिए हनी भी है, ये हनी भी आई, और हनी भी जैसे ही इस पे बैठती है, जैसे ही अपने पैर इस पे रखती है, तो इसके पैर के रखने की वजह से क्या होता है, इसका जो एंगल है वो एंगल चेंज हो जाता है। ये जो एंगल है वो ऊपर था, जैसे ये बैठी प्रेस हुआ तो ये जो एंगल है वो चेंज हुआ, और ये जो फर्टाइल वाला पार्ट था वो इसके पंख पे आकर के चिपक गया। तो जितने मेच्योर पोलिन ग्रेन्स होंगे वो इसकी बॉडी पे आके ऐसे चिपक जाएंगे, एंगल चेंज हो गया, तो जितने पोलिन ग्रेन्स हैं वो उसकी बॉडी पे क्या हो गए? चिपक गए। तो और ये क्या है? इंसेक्ट है ना। तो अब यहां पे क्या होगा, इस कंडीशन में जो भी पोलिन ग्रेन्स इसकी बॉडी पे चिपके, अब वो किसी दूसरे सैल्विया प्लांट के ऊपर जाती है ना, जहां पे उसका स्टिग्मा या फिर फीमेल पार्ट मेच्योर है, तो वो पोलन ग्रेन उससे क्या हो जाएंगे, इंटरेक्ट कर जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा पक्का। एक चीज और, जो सेल्विया प्लांट है वो कैसा है, प्रोटो एंड्री कंडीशन शो करता है। क्या कंडीशन शो करता है? प्रोटो एंड्री। हम लोगों ने तो डिटेल पढ़ा हुआ है, प्रोटो एंड्री मतलब मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोसियम अर्लियर देन कार्पेल, यानी कि जब किसी स्टेमेन का मैच्योरेशन पहले हो जाए उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटो एंड्री पक्का। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हुए भी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, एडॉप्टेशन आपको पता है। क्लियर? तो ये हो गया आपको लीवर पाइप मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। क्लियर? तो एंटेमोफिली खत्म। अब एंटेमोफिली के बाद हम लोग बात करने वाले हैं दूसरा, ऑर्निथोफिली। तो इसको मैं मिटाता हूं,
अच्छा अगर आपसे एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम्पल, तो याद रखिएगा जितने भी इसके जो फ्लावर्स वगैरह होंगे वो छोटे होंगे, है ना। नेक्टर्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, एडाप्टेशन सुन लीजिए, नेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, नेक्टिफेरस ग्लैंड प्रेजेंट होगा जिसमें नेक्टर भरा होगा। उसके अलावा फ्रेग्रेंस, बढ़िया खुशबू आनी चाहिए ताकि वो इंसेक्ट अट्रैक्ट होके आए, बटरफ्लाईज इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर के आए। इसके अलावा यहाँ पे जो फ्लावर है वो थोड़े से बड़े साइज के एक्सपोज्ड फ्लावर होने चाहिए, ये सारे कंडीशन यहाँ पे होता है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो बायोटिक पॉलिनेशन कराते हैं उसके लिए भी एक टर्म यूज होता है जूफिली, है ना, उसके लिए एक टर्म यूज होता है जूफिली। जू का मतलब होता है एनिमल्स, फिली मतलब लगन, जो पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू होता है टर्म यूज होता है जूफिली, और उसके अंदर ये सारे नाम लिखे गए हैं पक्का। छोड़ो ऑर्निथोफिली में आ जाओ भाई। ऑर्निथोफिली क्या है? ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड, यानी कि पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स या पॉलिनेशन बाय द बर्ड्स, तो कंडीशन विल बी नोन एज ऑर्निथोफिली। जब पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होता है तो क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली। इसमें भी एडॉप्टेशन सुनिए, फटाफट लिख लीजिए। जो फ्लावर का साइज होगा लार्ज होगा, नेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, सुगरी सिरप ज्यादा से ज्यादा भरा होगा फ्लावर्स के अंदर, फ्लावर पूरी तरह से एक्सपोज होने चाहिए, स्टाउट होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए ताकि जब भी बर्ड्स आके बैठे तो टूट ना जाए, है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो भी पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसका जो लेयर है वो एग्जाइन लेयर होना चाहिए। इसके अलावा याद रखिएगा कि सारी चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए। ये सारे कंडीशन है जो ऑर्निथोफिली के लिए जरूरी है। तो जब पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होता है तो कंडीशन विल बी नोन एज ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली में मैं आपको समझा दूं इसके अंदर थोड़ा सा। ये मान लीजिए कि ये एक फ्लावर है, है ना, तो ये फ्लावर आपको ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना, ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको फ्लावर दिखाई देगा, ऐसे आपको फ्लावर दिखाई देगा। इसके अंदर ये जो गैप दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारा क्या जमा करके रखा जाएगा? नेक्टर, ताकि जब भी बर्ड आए, बर्ड का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, है ना। मान लीजिए हमने यहां पे हमिंग बर्ड बना दिया, यहां पे हमने क्या बना दिया? हमिंग बर्ड बना दिया, है ना। हमिंग बर्ड आई, बड़े बड़े बीक लिए हुए, और वो आ करके, है ना, बैठी है यहां पे। ये हमिंग बर्ड आई और आकर के यहां पे अपना जो भी सुगर उगर होगा, जो भी नेक्टर्स होगा, उसको क्या करेगी? पिए होगी, क्योंकि बर्ड का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो बर्ड के बाइट बॉडी का साइज बड़ा होता है, मतलब वो जिम वगैरह रोजाना जाती है ना, तो उसको ज्यादा नेक्टर चाहिए, तो यहां पे ज्यादा नेक्टर प्रेजेंट होता है, उसको क्या करेगी? पिएगी, और उसी के साथ जो भी पॉलन ग्रेन्स होंगे बॉडी पे चिपकेंगे, फिर वो किसी दूसरे फ्लावर को विजिट करेगी, फिर वहां पे भी वही करेगी, तो अचानक से उसको नहीं पता है कि हम पॉलिनेशन करा रहे हैं, है ना। नहीं तो क्रेडिट तो ले ही लेती, लेकिन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं हो क्या कर रही है, वो तो अपने फायदे के नाते आ रही है सुगर सुगरी सिरप पीने के लिए, है कि नहीं। तो आपको याद रखना है कि जब बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो कंडीशन मिली उन्होंने ऑर्निथोफिली। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, है ना, तो ये चीज याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कायरेक्टेरोफिली। कायरेक्टेरोफिली जो होता है, कायरेक्टेरोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय बैट्स। जब पॉलिनेशन बैट्स के थ्रू होता है तब कंडीशन विल बी नोन एज कायरेक्टेरोफिली। कायरेक्टेरोफिली में आपको एक चीज मैं बता दूं कि यहां पे फ्लावर जो होंगे, फ्लावर कैसे फ्लावर होने चाहिए? नॉक्टर्नल। कैसे? नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब जो फ्लावर रात में आते हैं, तो जो भी फ्लावरिंग रात में होती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉक्टर्नल फ्लावर, क्योंकि बैट भी क्या होता है? रात में निकलता है चमगादड़, तो वो रात में जब निकलेगा तभी ये फ्लावरिंग होगा। तो जब पॉलिनेशन बैट्स के थ्रू होता है तो कंडीशन क्या बोला जाता है? कैरेक्टेरोफिली। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एडनसोनिया, मैडम सोनिया नहीं, एडनसोनिया, है ना। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इसमें दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? याद आ रहा कुछ? हाँ लिख लो, एडनसोनिया आपने लिखा। एडनसोनिया के साथ भी एक कंडीशन आता है कि इसमें भी फ्लावरिंग जो होती है वो इंटरवल टाइम के बाद होता है, प्रॉपर इंटरवल के बाद होता है। एक और एग्जांपल लिख लो एंथोसिफेलस। एंथोसिफेलस जिसको कदम बोलते हैं, कदम का पेड़ आपने सुना होगा, तो एंथोसिफेलस को ही कदम बोलते हैं ना। तो एडनसोनिया और ये क्लियर हो गया कैरेक्टेरोफिली। अब आ जाओ मेल्कोफिली। मेल्कोफिली इसको मैं मिटा देता हूं। मेल्कोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय स्नेल्स।
जुजुब, अक्सर करके ये वाटरी प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, पॉलिनेशन बाय स्नेल्स। जब स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो कंडीशन क्या बोला जाता है, मेल्कोफिली। मेल्कोफिली के लिए कंडीशन आपको याद रखना है कि जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल प्रोटीन एंट्री कंडीशन के साथ साथ बहुत सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देंगी। मतलब क्या, मेल्कोफिली में आपको जब स्नेल्स पॉलिनेशन कराएंगे तो हो सकता है कि वो प्लांट एक्सपोज भी हो बाहर की तरफ हो या फिर पानी के अंदर भी हो सकते हैं। तो जब भी स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो कंडीशन क्या बोला जाता है, मेल्कोफिली। बस आपको यही सब याद रखना है, ये सब पूछा नहीं जाता है। ऑफियोफिली यानी कि जब स्नेक्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तब उस कंडीशन को बोलते हो ऑफियोफिली। ऑफियो का मतलब होता है स्नेक, है ना। एग्जाम्पल लिख सकते हैं सैंटेलम, चंदन का पेड़। देखते होंगे चंदन के पेड़ से चारों तरफ सांप लिपटा होता है क्योंकि ठंडा लगता है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। ये सब कुछ क्या कहलाता है, एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। मैंने पूरा डिटेल बता दिया। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट इसका टॉपिक डील करने जा रहे हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। हेडिंग डालिए पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है। सबसे पहली चीज ये आपको याद रखनी है कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पेटिबिलिटी एंड इनकॉम्पेटिबिलिटी प्रोसेस। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, कॉम्पेटिबिलिटी एंड इनकॉम्पेटिबिलिटी प्रोसेस। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एक्चुअल में क्या होता है, हमने ये बोला था कि पॉलिनेशन होगा, पॉलन ग्रेन्स मूव करेंगे स्टिग्मा के ऊपर। जब पॉलन ग्रेन्स मूव करके जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर तो वहां पे पॉलन ग्रेन्स के बीच में और स्टिग्मा के बीच में दोनों के बीच में काफी डायलॉग चलेगा। डायलॉग्स क्या चलेंगे कि भैया तुम हमारे कास्ट के हो कि नहीं हो, तुम हमको जानते हो कि नहीं हो, तुम स्पीसीज हमारे हो कि नहीं हो, ये सारी चीजें वहां पे क्या होगी, भाषणबाजी चलेगी उन दोनों के बीच में। उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। मतलब आप ऐसे बोलो रिकॉग्निशन होगा वहां पे एक दूसरे का, जान पहचान, है ना। तो मान लीजिए कि ये फॉर एग्जांपल ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है ना, ये स्टाइल नीचे आया, ये ओवरी वाला पार्ट है। तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ये एक पार्ट है। अब यहां पे क्या हुआ, कोई भी पॉलन ग्रेन गिरा है, मान लीजिए ये सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स क्या है, यहां पे आके गिरे हैं, तो पॉलिनेशन के थ्रू बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आएंगे। अब यहां पे क्या होता है, स्टिग्मा है ना, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है और ये पॉलन ग्रेन्स है। पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा के बीच में क्या चलेगा, बातें चलेंगी। वो बातें किस फॉर्म में होंगी, केमिकल्स और प्रोटीन्स के फॉर्म में बातें होंगी। यानी कि क्या इसका केमिकल नेचर स्टिग्मा के केमिकल नेचर के सेम है। मतलब अगर दोनों का केमिकल नेचर सेम है तब तो भैया ठीक है, लेकिन अगर दोनों का केमिकल नेचर अल्टर हो गया, मतलब उसका कुछ और बता रहा है इसका कुछ और बताया, मतलब ये चोरी छुपे आए हुए हैं भाई साहब, अब क्या इनको एंट्री घर के अंदर मिलेगा, नहीं, दरवाजा बंद है ना। अब वो चिल्लाएंगे गोरी खोल दरवाजा, गोरी खोल दरवाजा, लेकिन खुलेगा नहीं क्योंकि इंटरेक्शन क्या हो रहा है, जो कॉम्पेटिबल होना चाहिए वो कॉम्पेटिबिलिटी हो नहीं पा रही है, और जब कॉम्पेटिबिलिटी हो नहीं पा रही है मतलब वहां पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यानी कि कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है रिकॉग्निशन। अगर दोनों का केमिकल नेचर सेम होगा तब तो कॉम्पेटिबिलिटी सक्सेसफुल होगी, और अगर दोनों का केमिकल नेचर सेम नहीं होगा, रिजेक्शन हो जाएगा, तो उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इनकॉम्पेटिबिलिटी। कॉम्पेटिबिलिटी जो होता है ना, इट इज डिटरमाइंड बाई सम स्पेशल प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ स्पेशल प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स के कारण ये जो होता है कॉम्पेटिबल नेचर वो आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहां पे बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग केमिकल नेचर के फॉर्म को हो सकता है। जैसे कि अब इसमें यहां पे आप बात कर सकते हो कि बोरान हो सकता है ना, आपने पढ़ा था इस चीज को, बोरान हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, शुगर हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो क्या होंगी, वहां से एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगी। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब कुछ क्या होगा, जब इनका दोनों का नेचर सेम होगा और दोनों का वैरायटी अगर सेम होगा, स्पीसीज सेम होगा, तो यहां पे क्या होगा, जब ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे तब यहां पे अनुमति मिलेगी इसको कि भैया आप अंदर आ सकते हो। तो तुरंत यहां पे क्या होगा, एक ऐसा ट्यूब का फॉर्मेशन होता है
जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब, है ना। इस पॉलन ट्यूब के अंदर फिर वही जनरेटिव और वेजिटेटिव वाली कहानी है जो आपने पढ़ रखी है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज द कॉम्पेटिबिलिटी एंड इनकॉम्पेटिबिलिटी प्रोसेस, यानी कि रिकॉग्निशन ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स लाइक एज बोरॉन, कैल्शियम एंड सुगर। और अगर दोनों का ये मेल जोल अगर सक्सेसफुल रहा तब तो ये पॉलन ट्यूब बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो इसी का जो इंटरेक्शन होता है इसी को हम लोग नाम देते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और जब ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा तो पॉलन ट्यूब बना करके वो क्या करेंगे, नीचे आएंगे, एंट्री मारेंगे कहां पे, माइक्रोपाइल्स के थ्रू, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करेंगे। तो क्लियर आपको हो गया होगा कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है क्या, है ना, इतना आपको क्लियर रखना है दिमाग में। चलिए अब हम लोग बात करने चल रहे हैं, ये तो हो गया जो अच्छा जो इनके स्पीसीज का नहीं होगा उनका रिजेक्शन हो जाएगा। अगर सेम वेराइटी या सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। और जो आइडेंटिफाई करा जाएगा जो सेम स्पीसीज के होंगे उनके लिए पॉलन ट्यूब बनेगा। क्लियर है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं तीसरा टॉपिक जिसके बारे में हमने बोला था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। मैंने बोला था पॉलिनेशन के तीन टाइप होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, गिटोनोगैमी, है ना, तीन प्रोसेस। फिर मैंने आपको क्रॉस पॉलिनेशन में दो टाइप बताए थे, एक बोला था जेनोगैमी और एक बोला था हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने आपको जेनोगैमी में बोला था कि सेम स्पीसीज लेकिन प्लांट दो अलग अलग है ना, लेकिन स्पीसीज क्या होगा, सेम होगा। इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, मतलब नेचुरली ये नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल कंडीशन में हम क्या करेंगे, किसी भी दो अलग अलग वेराइटी के बीच में, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में, या दो अलग अलग जीनस के बीच में हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे आर्टिफिशियली, और क्रॉस करा के एक सुपीरियर क्वालिटी बनाने की कोशिश की जाती है। तो उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, है ना, और जो बनके आता है उसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं, है ना। तो हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग स्पीसीज से बना हुआ कोई ऑर्गेनिज्म। क्लियर है मेरी बातें। अब ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग टाइप्स के बेसिस पे बात करें, अच्छा अगर आपसे पूछे कि इसकी जरूरत क्या है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की, हमें सुपीरियर क्वालिटी जब डेवलप करनी होती है, कोई ऐसा ट्रेड डालना होता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टर जब डालना होता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तब हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराने होते हैं। यह नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप बोलोगे कि नेचर के खिलाफ जाके हम काम करेंगे, करना ही पड़ेगा, है कि नहीं, जब इवोल्यूशन चाहिए तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मैं आपको समझाता हूं, एक्चुअल में तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। सबसे पहला जो टाइप होता है हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम लोग स्पीसीज के लेवल पे करते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को लेकर के करते हैं, तब कंडीशन बोला जाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना, तब कंडीशन बोला जाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जब दो डिफरेंट स्पीसीज होंगे। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दो डिफरेंट वेराइटी हो सकती है, तो इंटर वेराइटी हाइब्रिडाइजेशन, है ना। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जीनस भी अलग हो सकते हैं, तो इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे क्या है, दो जीनस के को लेकर के आप क्रॉस करा सकते हो, दो वेराइटी के बीच में क्रॉस करा सकते हो, या दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस करा सकते हो, और क्रॉस करा के आप सुपीरियर क्वालिटी वहां पे बना सकते हैं। तो प्रोसेस विल बी नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। तो ये टाइप्स के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब इस हाइब्रिडाइजेशन को कराने के लिए कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा स्टेप्स। मैं आपको स्टेप समझाता हूं कितने स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स में बच्चा लोग जब बात करोगे आप, तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, हम लोग एक एक करके बात करते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ द प्लांट।
पेरेंटल प्लांट्स, है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंटल प्लांट। पेरेंटल प्लांट का मतलब वह प्लांट जिसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर है, यानी कि उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है, तो उस प्लांट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको बहुत सारा सर्च रिसर्च करना पड़ेगा, अलग अलग वैरायटी को देखनी पड़ेगी, अलग अलग प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसके कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बहुत बड़ा लंबा लोचा है ये, है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंटल प्लांट जिसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर हो। तो आपने सेलेक्ट कर लिया प्लांट, है ना। अब क्या करना है, जो प्लांट आपने सेलेक्ट किया, दूसरा प्रोसेस होता है जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, इमेस्कुलेशन। दूसरा प्रोसेस होता है जिसको आप लोग बोलते हैं इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन क्या है बेटा, रिमूवल ऑफ एंथर। क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर, है ना, यानी कि मेल पार्ट फ्रॉम द फ्लावर। फ्लावर से क्या करना है आपको, मेल पार्ट को यानी कि एंथर को क्या करना है, हटा देना है। हटाने के लिए आपको कैंची यूज करनी पड़ेगी, काट करके हटा दो, यह देखो, है ना। अब इसमें से क्या करना है आपको, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, यहां पे जब फ्लावर के अंदर से आप एंथर निकालेंगे तो किस कंडीशन में निकालना है, इन बड कंडीशन। किस कंडीशन में, बड कंडीशन में, नहीं तो पता चले कि फ्लावर ओपन है, ऑटोगैमी प्रोसेस पहले से हो गया है, तब आप उसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए बड कंडीशन में आपको क्या कराना होगा, उसको रिमूव करना होगा। बड कंडीशन मतलब क्या, ये देखो ये है बेटा बड कंडीशन, है ना। अब इसको आप क्या करेंगे, इसमें से आपने मेल वाला पार्ट क्या किया, कट करके निकाल दिया, है ना। इसमें मान लीजिए दो पार्ट थे, एक ये मेल वाला पार्ट था, है ना, दोनों तरफ, और यहां पे आपको फीमेल वाला पार्ट दिखाई दे रहा था। तो आपको क्या करना है, जो मेल वाला पार्ट है यहां पे कैची बिठानी है ना, और इसको कट करके निकाल देना है। स्पेशल कैची है, ठीक है, उसे कट करके ऐसे ही आपको ये भी निकाल देना है। तो आपने क्या किया, कैंची से कट करके दोनों मेल पार्ट निकाल दिया। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमेस्कुलेशन, क्लियर है। थर्ड वाला जो स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं बैगिंग। क्या बोलते हो, बैगिंग। बैगिंग जो होता है उसका मतलब कवरिंग, यानी कि जो आपने प्लांट सेलेक्ट किया है इसको हमें क्या करना होगा, कवर करना होगा। कवर क्यों करना होगा, ताकि अनवांटेड पॉलिनेशन ना हो जाए। अनवांटेड पॉलिनेशन मतलब कोई दूसरा पॉलिनेटर आकर के इसको फर्टिलाइज ना कर दे। तो इसीलिए हम इसके ऊपर बटर पेपर से या पॉलिथीन बैग से क्या करते हैं, इसको पैक कर देते हैं। तो पैकिंग या, है ना, कवरिंग किससे, बटर पेपर या पॉली बैग से। तो पॉली बैग से या बटर पेपर से। अब ये याद रखिए, पॉलिथीन से खूब तेज बांध नहीं देना है, नहीं तो पता चले कि गैसेस एक्सचेंज ही ना हो पाए तो हाइब्रिडाइजेशन तो बाद की बात है, ऐसे ही आप प्लांट को मार डालोगे। तो आपको ऐसा यूज करना है, ऐसा पेपर यूज करना है, ऐसा बैग यूज करना है जिसमें गैसियस ट्रांस वो होता रहे, गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस होता रहे। तो बैगिंग आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा, चौथा प्रोसेस क्या होता है, टैगिंग। जो चौथा प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं टैगिंग। टैगिंग का मतलब होता है टैग लगाना। जैसे मान लीजिए ये आपने, ये प्लांट है ना, अब इसमें आपने बाकी सारा प्रोसेस कर दिया है, इसको बैगिंग वगैरह सब कुछ किया हुआ है। अब इसमें आप क्या करोगे, टैग लगा दोगे। टैग लगाने के लिए आपको छोटा सा एक पीस, उसमें क्या करना होता है, टैग करना होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टैगिंग। इस टैग के अंदर क्या होता है, आपका नाम, डेट, है ना, कहां से आपने प्लांट कलेक्ट किया है, सब कुछ लिखा होता है इस टैग के नीचे, इसी को हम लोग बोलते हैं टैगिंग। तो टैगिंग किया जाता है। फिर क्या करते हैं, डी बैगिंग। डी बैगिंग, तो फिफ्थ स्टेप है डी बैगिंग। डी बैगिंग क्या होता है बेटा, डी बैगिंग का मतलब क्या होता है कि वो पॉलिथीन बैग कुछ टाइम के लिए हटाया जाएगा। कब हटाया जाएगा, जब आपको जिस पॉलिन ग्रेन से फर्टिलाइजेशन कराना है उस टाइम आप क्या करोगे, उस बैग को हटाओगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डी बैगिंग। तो डी बैगिंग भी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रिमूवल ऑफ पॉली बैग, ठीक है, कॉल्ड एज डी बैगिंग। छठवें नंबर पे आता है, अब सिक्स नंबर पे आता है, डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलिन। डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन। डस्टिंग का मतलब होता है कि आप वह पॉलन ग्रेन उस स्टिग्मा पे ले जाएंगे
फीमेल पार्ट पे जो आप चाहते हो, जिस पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइज कराना चाहते हो, तो उसको उस प्रोसेस उस स्टेप को हम लोग नाम देते हैं डस्टिंग। ठीक है, तो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन से आप क्या कराएंगे, डस्टिंग कराएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, अब उसको पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइज करा के आप उसको ऐसे तो छोड़ नहीं देंगे, नहीं तो हो सकता है और उसकी स्पीसीज की वैरायटी आकर के उसके साथ फर्टिलाइजेशन कर ले। तो इससे प्रिवेंट होने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीबैगिंग। फिर से आप उसको क्या करोगे, बैग से बांधोगे, प्रोसेस कहलाएगा रीबैगिंग, है ना। अब क्या करना है आपको, रीबैगिंग हो गया, उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको छोड़ देना है, कुछ टाइम तक, कुछ दिनों बाद आपको उसमें फ्रूट्स वगैरह बनेंगे, फ्रूट्स वगैरह बनने के बाद सीड्स बनेंगे। अब वो जो सीड बनेगा उस सीड को क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो एट्थ स्टेप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिजायर्ड सीड, कलेक्शन ऑफ सीड, है ना। सीड को क्या किया आपने, कलेक्ट किया, सीड्स को कलेक्ट करके अब जैसा आपको फार्मर्स को देना है या फिर जहां पे भी यूज करना है उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि उस सीड के अंदर क्या आ गया है, डिजायर्ड कैरेक्टर आ गया है, वह डिजायर्ड कैरेक्टर जो आपने पैरेंटल कैरेक्टर में सेलेक्ट किया था। कोई ऐसा वीट का प्लांट आपने सेलेक्ट किया है जिसकी यील्ड कैपेसिटी बहुत ज्यादा यील्ड होता है, है ना। तो यील्ड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप इस सीड को क्या करोगे, किसी फार्मर्स को दे दो या फिर अपने यूज करो, कुछ ना कुछ करो, तो ये वहां पे प्रोडक्शन, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी सब कुछ इंप्रूव करा जाता है, किससे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये ओवरऑल एक आर्टिफिशियल मेथड कहलाता है। आज के इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये तीन टॉपिक मेजर पढ़े हैं, अच्छे से इसको पढ़िएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अगले क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे पॉलन ट्यूब की एंट्री कैसे होगी, टाइप्स ऑफ एंट्री पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।